टॉप एंड कितना करा है इस बाइक का आज तक? टॉप एंड मैंने इसका पूरा कर रखा है, 174 भगा रखी है आपने बाइक। तो उसके बाद भी ये उससे आगे निकल जाती है, उससे आगे निकल जाती है, मतलब जहाँ 90 के आसपास आई है भाई, उसके बाद ये ऐसा शूट करती है ना 32 भाई। 390 जैसी बाइक से 32 की एवरेज निकाल लें, तो जो आरसी 200 चला रहे हैं उनका कुछ करोगे, ख्याल नहीं करोगे? मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, 50 रुपए का तेल डलवा रहा हूँ इसमें और लेके चल रहा हूँ। KTM लेते टाइम एक जरूरी मुद्दे का सवाल, अब मैं अगर आपको छबरी बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा भाई? बोलने से क्या होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। इतना टाइम हो गया भाई आरसी 390 लिए हुए, आज तक इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू नहीं डाला मैंने। चलो इधर आओ, बाइक के पास आओ। तो अक्षय भाई ओन कर रहे हैं KTM आरसी 390। हाँ जी पाजी, कितना टाइम हो गया लिए हुए? अक्टूबर में ली थी, अक्टूबर 2022 अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 3 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए बाइक को लिए हुए। 6 महीने में भाई 3000 किलोमीटर इन्होंने आरसी 390 चलाई है, न्यू वाली लेटेस्ट वाली। तो यार अक्षय भाई, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है, इस वाली बाइक को लोग डिजाइन वाइज पसंद नहीं करते हैं, कैसे पसंद आ गए तुम्हें, स्पेशली फ्रंट? भाई एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं थी शुरू में। हाँ, वो तो लेकिन मिथ वाली बात है, जो तुम सुनते हो जो परसेप्शन बनता है ना वो तुम्हें दिमाग में सेट जाता है। जब मैंने सामने से जाके ये देखी तो मेरे बॉडी पे ना बैठने के बाद ही सूट कर रही है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये वाला कलर उस टाइम पे था नहीं, मोटो जीपी एडिशन। हाँ, मैंने बुक करी थी नॉर्मल वाली। हाँ, मेरा इरादा था मैं इसे जैसी ये है बिल्कुल ऐसी मॉडिफाई करके अपना रैप वैप करा के ऐसी कर दूंगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर अचानक से जिस दिन मेरे को जाना था वहाँ फाइनल अपना डिलीवरी विलीवरी के लिए, हाँ, उस दिन ये लॉन्च हो गया 3:30 बजे। ओके, और 4 बजे मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने तुम्हें तभी फोन करके बताया था कि ऐसे ऐसे नया कलर लॉन्च हुआ है, फर्स्ट लॉट की फर्स्ट बाइक बुक कर रहे हैं हमने, डिलीवरी का टाइम भी हमने चीज लिखी थी। शोरूम वालों को भी मैंने बताया कि ये वाला कलर लॉन्च हो चुका है, ये एडिशन लॉन्च हो चुका है, वगैरह हमारे पास नहीं है इन्फो, मैंने निकाल के दिखाया इंस्टाग्राम में, कहा हो गया तुम बुकिंग करो, लेकिन तुम बुकिंग लो इसकी। और ठीक है, तो मतलब आपने बोला कि पहले आपको भी नहीं पसंद था ये, फिर भी खरीद ली? हाँ, लेकिन फिर जब मैंने इसका ये वाला कलर देखा तो फिर ये मन को भाग। हाँ देखो, इस बात में दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं वाइट जो है ना पूरा उससे अच्छा है ब्लैक लग रहा है। ओए, तेरा रिव्यू नहीं होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर वाइट को देखोगे तो वाइट से अच्छा है ब्लैक देखने में, थोड़ा अच्छा लगता है उससे। अच्छा चलो अक्षय भाई, फिर आरसी 390 स्पेसिफाइड कोई रीज़न आरसी 390 लेने का? जैसे हमारी बात हुई थी, मैं ड्यूक 390 लेने वाला। करेक्ट, लेकिन मेरा भी इसको मतलब पुरानी वाली जो थी उसको लेके ये था कि कंफर्ट नहीं है, एग्रेसिव ज़्यादा है और थोड़ा सीट कंफर्ट नहीं है। ओए, अभी धो के लाए हैं ये, तो उस हिसाब से मैं कहा नहीं लेनी है। लेकिन मैं जिसके साथ गया था, मेरा भाई है उसके साथ गया था मैं, तो उसने कहा कि एक बार बैठ के देखो इस पे। मैं कहा नहीं, मुझे लेनी नहीं। कह रहे नहीं, तुम बैठ के देखो। अब जब मैंने वहाँ बैठ के देखा इसके ऊपर, तो इसकी सीट का कम्फर्ट और जो इसका पोस्चर था वो थोड़ा कम्फर्टेबल आ गया मेरे को, मतलब थोड़ा पसंद आ गया। तो दिखाने एक बार बैठ के, बहुत बैठने की बात कर रहे हो। हाँ, तो मतलब हाइट कितनी है अक्षय भाई? मेरी 5'7" हाइट है भाई, इनकी टांगे टूंगे देख लो और हाथ वाथ भी पूरे आते हैं। अब जैसे आप ड्यूक लेने वाले थे, अब आपने एकदम से एग्रेसिव बाइक ले ली, चलो कोई बात नहीं, आपने ले लिया, आपको सब कुछ पसंद आ गई, ये दिमाग में थॉट नहीं आया कहाँ मैं एक कंफर्टेबल नेकेड बाइक ले रहा था, कहाँ मैं इतनी एग्रेसिव बाइक ले रहा हूँ जिसमें कमर हाथ वाथ दुखेंगे, मेरे शोल्डर भी दुखेंगे? ड्यूक 390 लेने का रीज़न था रॉकेट, पॉकेट रॉकेट बोलता था, ठीक है, पावर चाहिए थी। लेकिन इसकी तरफ जब मैं बैठा और इस पर जो कम्फर्ट आया मुझे, मैं शुरू से स्पोर्ट्स लवर हूँ, लेकिन एक रीज़न ये था कि इस पर कम्फर्ट नहीं था, मैं इसलिए इसकी तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन जब इस पर बैठ के कम्फर्ट आया मुझे और चीज़ें ऐसी मिली। तो मतलब अक्षय भाई, आपने ये सब देखा कि चलो बैठ बैठ के, फिर आपको पेन नहीं हुआ जब आपने ले लिया और उसको चलाना स्टार्ट करा? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़े सा पहले भी जैसे चलता था तो मेरे को ये वाला पोस्चर ही पसंद है, ये कम्फर्टेबल लगता है चलाने में। मैं बुलेट वगैरह जैसे चलाता था या सीधा बिल्कुल नेगेटिव बैठते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं आता, उसमें मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ा 20-30 किलोमीटर चलती मुझे पेन हो जाता है। तो क्या ये बात जब ड्यूक ले रहे तब ये दिमाग में नहीं थी कि मैं 20-30 किलोमीटर से चलाऊंगा कमर दर्द होगी? उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना कम्फर्ट का, तो मुझे पावर चाहिए थी, तो मैंने पावर चूज करी कंफर्ट के सामने। अच्छा, आपको मतलब ऑप्शन नहीं था आपके पास, फिर जब ऑप्शन मिला तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं ऐसी ले लेता हूँ। लेने से पहले चला के देखी थी आरसी 390? नहीं, इसकी टेस्ट राइड नहीं थी। टेस्ट राइड नहीं थी, मतलब एक रिस्क फैक्टर पे खरीदी थी कि मतलब जैसी होगी अब देख लेंगे। इसके प्रोमोज वगैरह देखे थे कि हाँ भाई एरोडायनामिक ज्यादा करी है, पहले से लाइट कर दी है, ठीक है, और ड्यूक 390 का इंजन है, तो भरोसा था कि कहीं ना कहीं पावर तो मिल ही जाएगी। निकल जाओ, निकल जाओ, वही था कि कहीं ना कहीं पावर तो मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये माइंड सेट था कि 390 ले रहा हूँ तो देखो पावर तो 43.5 BHP की है ही है मेरे पास, वो तो कहीं गई नहीं है, भले ही डिज़ाइन या ओवरऑल लुक चीज़ों में चेंज कराओ तो ठीक है, ये वाला थॉट दिमाग में लेके बाइक ले ली। अच्छा, KTM लेते टाइम एक जरूरी मुद्दे का सवाल, अब मैं अगर आपको छबरी बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा भाई? बोलने से क्या होगा? नहीं, वो तो चलाने वाले बोलते नहीं, लोग बोलते हैं कि भाई ये छपरी है, ये छपरी है, उसके लिए KTM वालों को स्पेशली छपरी कहा जाता है।
वो गलती उनकी नहीं है, वो ब्रांड ऐसी हो गई है कि वो ब्रांड को बोलने लग गए हैं, अदरवाइज ड्राइवर छपरी होता है, क्योंकि तुम स्प्लेंडर पे देख लो वो सुपर बाइक से कम नहीं चलाते इससे ज्यादा वो भगाते हैं। आए दिन तुम ट्रिप पे भी जाओगे तो तुम्हें स्प्लेंडर वाले इससे रेस लगाते मिलेंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता लेकिन वो लगाते हैं। तो वो छपरी राइडर ही होता है, कभी कंपनी राइडर। परसों रात की बात है, ओला वाला रेस लगा रहा था हम तीनों से, हाँ परसों रात की बात है, एक ओला वाला रेस लगा रहा था, तो वो वाले हिसाब है कि भाई छपरी तो राइडर होता है और बाकी उसका इलाज हमारे पास है। हाँ। कोई देखेगा तो, अभी तो आगे तो फ्रंट पे नहीं है क्योंकि पीपीएफ कराई थी। हाँ। पीछे अभी भी हमने उसका इलाज कर रखा है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि छपरी नहीं है ये बंदा। क्या इलाज है? ये इलाज है इसका, ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये बताया था कि छपरी नहीं है। यार ये तो कोई भी लिख लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? छपरी ये नहीं लिखता, छपरी लिखेगा फास्ट एज फक, फास्ट एज फक छपरी लिखेगा ऐसी चीजें लाउडर। अरे यार ये, अरे हमारा भाई ऐसा चैनल नहीं है, जरा कंट्रोल में रहो यार, कंट्रोल में रहो। वो तुम कट कर देना या बीप कर लगा देना, बीप ही करना पड़ेगा, ऐसी बातें कर रहे हो, अपमानजनक बातें मत करो यहाँ, वाली चीजें यहाँ नहीं आती। ठीक है, तो मतलब हाँ सही है, ये भी एक चीज़ है। और ओवरऑल एक चीज़ ये है, चलो अक्षय भाई आपका ये फाइनलाइज था, लेनी केटीएम ही है। हाँ। और कोई ऑप्शन ही नहीं देखा था आपने? मुझे चाहिए था पावर, पावर चाहिए थी, तो जिसे पावर मुझे। हाँ। ऐसी बाइक चाहिए, मेरा शुरू से ही रहा है कि जो मेरे पास बाइक हो। हाँ। उस सेगमेंट में उसे कोई बीट ना, टॉप नॉच होनी चाहिए, सेगमेंट किलर होनी चाहिए, सेगमेंट किलर होनी चाहिए हर मामले में, हर मामले में, फीचर वाइज हर तरह, फीचर पावर कंफर्ट कन्वीनियंस ईच एंड एवरीथिंग टॉप नॉच होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए आपका, मुझे लग रहा है ये थॉट था। अच्छा जब आपको पता था कि भाई मैं इतने की बाइक ले रहा हूँ, 370,000 रुपये मैं इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा भाई सर्विस भी 2,500-3,000 की होगी, तो महंगी लगती है ये। इसीलिए मैंने लेने में इतना टाइम लगाया कि जब मुझे लगा कि अब मैं इसका मेंटेनेंस उठा सकता हूँ, तब मैं वो बाइक लूँगा। ये ऐसे नहीं करूँगा कि भाई मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, 50 रुपये का तेल डलवा रहा हूँ इसमें और लेके चल रहा हूँ। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल देखो एकदम वैलिड बात है भाई। देखो जब आप उसका खर्चा मैनेज कर सको तभी आप उसके ऊपर पैसा ऐसे खर्च करना चाहिए। बताइए ये जितनी बार निकलती है उतनी बार 1,000 रुपये का तेल चाहिए। हाँ तो 390 वालों को तो पता है ये बात, जब जब निकालो तब 1,000 नहीं तो 500 तो चाहिए ही चाहिए, टंकी फुल होगी, मैक्सिमम 2 दिन चलनी है, 2 दिन भी नहीं चलती तुम अगर ढंग से चलाने। हाँ सही से पावर का मतलब होगा तो 2 दिन भी नहीं चलती है, मेरी तरह चलाओगे तो तुम्हारी 3 दिन भी चल जाएगी। क्योंकि भाई देखो 390 साहब कितने एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, 20, 22, max 23 दिखाना एवरेज। अभी तो खैर मैं बहुत रफ चला रहा हूँ इसे, अभी ये लास्ट रफ चला के आए भाई, बहुत तगड़ी एवरेज निकालते हैं ये अपनी बाइक से, 24.9 की दिखा रही है ये, और ये रफ चलाने पे, ये रफ चलाने पे, और यूजुअली जब भी आराम से चलाते हैं ना एवरेज आती है इस बाइक की 30। ट्रिप पे गए थे मसूरी कितनी एवरेज आई थी तुम्हारी? भाई 390 जैसी बाइक से 32 की एवरेज निकाल लें, तो जो आरसी 200-200 चला रहे हैं उनका कुछ करोगे, ख्याल नहीं करोगे? उनसे यही कह सकता हूँ मैं कि मुझे दे दो, तुमसे नहीं निकल पा रही तो मुझे दे दो। और इसकी अक्षय भाई देखो मेरे को तो पर्सनली ड्यूक की लाइट्स इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, लाइट्स इसके अंदर सेम है ड्यूक की और इसकी, है ना? कैसा थ्रो है? थ्रो एडजस्ट कराना पड़ा था, ठीक है काम चला हुआ है, इतना खास भी नहीं है, इतना बेकार भी नहीं। रोड ट्रिप पे अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना? अगर तुम रात की ट्रिप मारोगे तो जरूरत है तुम्हें, हाईवे के ऊपर स्पेशली जरूरत पड़ेगी। हाँ यार रात की नहीं, एक मिनट, रात की ट्रिप क्या होती है, लाइट रात में ही जलती है, दिन में तो जलाते हैं, दिन में तो किसी काम आती नहीं जलती है, पर काम किस में आती है? वो कह रहा हूँ ना, रात की ट्रिप मारोगे तो चाहिए, रात की ट्रिप लंबी लंबी कहीं जाना है तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में तो चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल में तुम्हें नहीं चाहिए। अच्छा इसका सीट कम्फर्ट बताओ कैसा है, राइडर वाली और प्लेन वाली दोनों का बताओ भाई, इसके तो तुम खुद गवाओ इस चीज के, क्या राइडर पीछे से पिलियन बैठता है उसका कंफर्ट कैसा है? नहीं मैं तो कह दूंगा जनता मेरी नहीं मानेगी आपकी मानेगी ना, आप नहीं, इसका पिलियन का भी और राइडर का भी दोनों कंफर्ट बहुत ज्यादा है, इवन आपको पीछे बैठ के भी ऐसा लगता है आप सोफे पे बैठे हो। हाँ प्लेन है सीट, सबसे बड़ा इसका यूएसपी पता है क्या है? देखो आप इसकी सीट देखोगे ना ये प्लेन है, ऐसे नहीं है आगे को, अगर आगे को होगी जितने और ब्रेक लगेगा बंदा आगे भगेगा, कंफर्टेबल है, थोड़ी ऊंची जरूर है पर बंदा कंफर्टेबल ही बैठता है, ये कुछ नहीं, नाइस कुशनिंग ऐसी मिलेगी नहीं, पिलियन की भी अच्छी है राइडर की भी अच्छी है, देखो कुशनिंग में तो नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया है। अच्छा तारीफ तो बहुत हो गई आपने, मतलब चीता की तारीफ ही तारीफ, जिसका नाम चीता रखा हुआ है, तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ। कुछ डाउन साइड की बात करते हैं, वाइब्रेशंस बताओ और हीटिंग। हीटिंग 390 के हिसाब से अभी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि पहले के तो बहुत ज्यादा करती थी जो पुरानी थी, अब ये उतनी नहीं करती, इसमें डबल फैन दे दिया है, पर हीटिंग तो है, देखो 390 है तो हीटिंग थोड़ी बहुत तो देगी, गर्मी में पैर पे हीट आती है जेन्युइनली भाई। देखो हीटिंग का ऐसा हिसाब है, पता नहीं क्यों ये बात मेरी भी थोड़ी समझ में नहीं आती है, ये भी 390 है मेरी भी 390 है, हालांकि वो फेड नेकेट का फर्क है, वो ओपन है पूरी क्लोज है, पर ये काफी ज्यादा हीट करती है, पता नहीं क्यों करती है, मतलब पैरों पे फील कराती है, वो नहीं कराती जो जब वो फेंकती है ना हवा। हाँ। तो ये यहाँ से सिर्फ पैरों पे ही आती है, इसमें वो चारों तरफ फैल जाती है, इसमें फैल नहीं पाती। हाँ इसमें हवा आएगी तो पीछे आएगी, मेरी में आगे जाती है, तो हीटिंग का तो थोड़ा सा कंसर्न है इस बाइक के साथ, और इतना नहीं है कि मैनेज ना हो जिस हिसाब से बाइक। अच्छा 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 उसके साथ हो जाता है, मैनेजेबल है। और वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस तो है, है थोड़ी, लेकिन वही है कि जब पावर मिल रही है तो फिर वो नेगलेक्ट कर देते हैं। बट पर्सनली मैं बताता हूँ भाई वाइब्रेशंस का ऐसा है, देखो मैं भी ड्यूक चलाता था जब मेरी नई नई थी, थोड़ी वाइब्रेशन आती थी, अब नहीं आती।
हाँ ये तो टाइम के साथ थोड़ा हो भी जाएगा, इंजन रिफाइन होगा जितना ज्यादा ओवर द टाइम, जहाँ तक अक्षय भाई कम हो जाएंगे है ना। पर हाँ पुरानी के हिसाब से देखा जाए तो वाइब्रेशन तो बहुत कम है पुरानी तो। हाँ जैसे हम पहले चलाते हैं, हम अपनी लोकल बाइक चलाते हैं, उस हिसाब से तो वाइब्रेशन आएंगे, तो उस हिसाब से तो ऑब्वियस आना ठीक है। क्या क्या 9:11 है मैनेजेबल है। ओके चलो वाइब्रेशन भी मैनेजेबल हो गई और आप हीटिंग भी कह रहे हो मैनेजेबल है, तो आपको इस बाइक के नेगेटिव क्या लगते हैं? ग्राउंड क्लीयरेंस लगती है नेगेटिव? भाई इस बाइक का एक्चुअली नेगेटिव मुझे कुछ लगा नहीं। अच्छा लेकिन इसके साथ थोड़ी सी दिक्कतें आई मुझे। बिल्कुल वही मैं जानना चाहता हूँ। पहली दिक्कत इसकी ये आई मुझे कि ये मैंने पीपीएफ के लिए दी थी, पीपीएफ से मैं लेके आया, अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, या किसी वजह से इसका तेल खराब था, ये मिसिंग मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराया, लड़ाई वड़ाई हुई केटीएम में, वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मिसिंग मार रही है, क्योंकि ये कभी कभी मिस मारती थी, रेगुलर मिस नहीं मार रही थी। मतलब जब केटीएम में लेके जाओ तब नहीं मार रही होगी, वैसे मार रही होगी? नहीं वैसे भी नॉर्मल में चला रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मिस मारेगी मारी, वो बाय द चांस एक पॉइंट ऐसा आता था कि जहाँ पे मिस मार देती। ओके 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 वही चीज हो रही थी। फिर लड़ाई वड़ाई करके किसी तरह पहले थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई, एयर फिल्टर क्लीन हुआ, तब भी रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर लड़ा के उनसे फ्यूल पंप खुलवाया, उसके नीचे देखा तो वो कह रहे थे इसमें कचरा है इसके फिल्टर में, वो भी चेंज करा दिया, पेट्रोल भी पूरा साफ करवा दिया था निकलवा के, लेकिन अभी भी वो मिसिंग कहीं ना कहीं आ रही है। मतलब अभी भी आ रही है? उस टाइम पे नहीं आई थी कुछ टाइम तक, लेकिन अब फिर से मैं जैसे थोड़ी बहुत चलाई है, क्योंकि उस टाइम के बाद मैं चला नहीं पाया, अब मैंने चलाई तो फिर से मिसिंग आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, वो वाला जो पहले वाला केस था वो उतना नहीं है लेकिन है अभी, मतलब मिसिंग अभी भी है थोड़ी बहुत। चलो मे भी क्या पता ओवर द टाइम ठीक हो जाए, या फिर एक आधी बार है कि तेल वेल का कुछ गड़बड़ है, एक आधी बार और दिखा के शायद से मिसिंग ठीक हो सकती है ना। और अभी इसमें नई सर्विस आ रही है तो सर्विस पे दिखा, अभी इसमें नई आफत और बन गई है भाई इनकी बाइक में, पता नहीं क्या हो गया। अभी कल परसों की बात है, कल मैं लेके गया था तो हैंडल यहाँ से आवाज कर रहा है, पता नहीं भाई क्यों आवाज कर रहा है, ब्रेक मारने पे आवाज कर रहा है। और अब तक खड़ी भी थी कितने दिन से खड़ी थी? खड़ी थी ये ऑलमोस्ट लगा लो वही लास्ट जब हम लेके आए थे ठीक करा के, 10-15 दिन से खड़ी थी है ना, ज्यादा ही खड़ी 10-15 दिन से बाइक खड़ी थी। और उसके बाद इसका हैंडल में से अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। और देखो फर्स्ट लॉट की बाइक है तो ये एक आधी प्रॉब्लम आना लाजमी सा है, थोड़ा आ जाती है या नहीं? हाँ आ सकती है, फर्स्ट लॉट की फर्स्ट बाइक वैसे थी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कह सकते हैं मे बी कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ जाएं, बट ठीक है केटीएम वाले कर देंगे रिजॉल्व, उसके लिए जाना पड़ेगा। बट पर्टिकुलरली बाइक से कोई किसी चीज़ को लेकर निराश, जैसे मान लो जो पावर सोच के ली थी, पावर अच्छी ना हो, ब्रेक्स अच्छी ना हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, और इसीलिए मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में ये मेरे को जितना मैंने सोचा ना उससे ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया। ब्रेकिंग के हिसाब से सेरेमिक ब्रेक्स आते हैं इसके, हाँ सेरेमिक ब्रेक पैड्स आते हैं, ड्यूट 390 में वो नहीं आता, नहीं 390 में भी सेरेमिक है, नहीं उसमें आगे वाला है सिर्फ, हाँ दोनों है। अच्छा पीछे का भी इसमें, ठीक है ये भाई ये बात इन्होंने सही, इन्होंने भाई नहीं बताई है। ड्यूक में पीछे का नॉर्मल सस्ते वाला ब्रेक पैड है, 400-400 रुपए का आता है, आगे का 2500-2600 का आता है, इसका पिछला भी सेरेमिक है। दूसरा इसके वही अपने परफॉर्मेंस अविराल भाई वाली है, उसका डीकैट हो रखा है, फुल सिस्टम ही हो रखा है, हां हां काइंड ऑफ, और वो साथ में जब गए थे तो हमने परफॉर्मेंस टेस्ट भी करे थे काफी। अच्छा तो उसके बाद भी ये उससे आगे निकल जाती है, उससे आगे निकल जाती है, मतलब जहाँ 90 के आसपास आई है भाई, उसके बाद ये ऐसा शूट करती है ना कि खुद को ऐसा लगता है पता नहीं चलता कभी 150 चढ़ जाती है भाई। यार ये बात इन्होंने ना अक्षय भाई ने एकदम वैलिड बोली है, इसकी मतलब आरसी की ना ये एक तारीफ है। अब इसे ड्यूक के साथ भगाओ, इनिशियली भागेगी 80-90 तक भागेगी, पर ये 100 के बाद गलत ही पावर बनाती है भाई, गलत तरीके से भागती है। अक्षय भाई अगर किसी नॉर्मल चलाने वाले बंदे के हाथ में बाइक दे दी जाए तो क्या होगा भाई? वो मैं कह रहा हूँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और वही कॉर्नरिंग एबीएस है, व्हीली भी कंट्रोल करता है उसका, कॉर्नरिंग एबीएस है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो बंदा गिर जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है, पलट जाएगा। जैसे ही आप इसका हल्का सा भी थ्रॉटल देते हो ना तो जो आदत है वो नॉर्मली देने की, हाँ हाँ अगर ऐसे इसका थ्रॉटल दिया, मैं आज भी अगर इसका ऐसे थ्रॉटल दे दूँ ना मुझे पीछे फेंक देती है भाई। हाँ तो पावर 3000 किलोमीटर चला चुका, पावर तो बहुत ब्रूटल है इसके अंदर, जो बात में दो राय नहीं है। और ये पावर भाई देखो एक बिगिनर बंदे के लिए डरावनी भी हो सकती है, बिल्कुल डरावनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ना। अगर बंदा थोड़ा सिंसियर राइडर हो तो मे भी संभाल भी ले, और वरना अगर कोई ऐसा होगी चल यार भगाता हूँ मजे लेता हूँ तो उसको तो ज़मीन पर गिरा देगी भाई, ये ऐसा लगता है कि कब तुम्हारे नीचे से निकलेगी तुम्हें भरोसा ही नहीं होता, ये रुकेगी तुम्हारे नीचे। अच्छा वैसे आपने टॉप एंड कितना करा है इस बाइक का आज तक? टॉप एंड मैंने इसका पूरा कर रखा है 174 भगा रखी आपने बाइक, उस पे लिमिट आ जाता है, लिमिट आ जाता है ठीक है गाइस 174 टेस्ट आउट करिए, इन्होंने डर लगता है 174 पे पता ही नहीं चलने, लोग कहते हैं कि केटीएम की बाइकें थोड़ी कांपती हैं हाई स्पीड पे भाई, ये मैं कह रहा हूं तुम 150-160 इसमें तुम मीटर पे ध्यान मत दो, सिर्फ थ्रॉटल दो पता नहीं चलेगा कभी टॉप एंड मार दिए। अच्छा जी इतना ज्यादा इतनी बढ़िया बाइक है ये, केटीएम से पैसे वैसे मिलेंगे, इतनी तारीफ कर रहे हो
पता नहीं भाई, काश दे देते काश दे देते तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्षय भाई आप इस बाइक के डाउनसाइड नहीं बता रहे हो कुछ भी, आपको अभी तक सिर्फ प्लस 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 पॉइंट दिख रहे हैं। हाँ। तो मतलब देख लो यार, ओवरऑल बाइक तो चंगी भली है, बस थोड़ी सी बिक इतनी ज्यादा नहीं रही है जो बात है। मे भी लोग इसके थोड़ा डिजाइन की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट यार हम तो उसको रेगुलर देखते रहते हैं, पर्सनली बता रहा हूँ अब तो अच्छी सी लगने लग गई है। और सबसे बड़ा इसका फायदा पता है कहाँ नजर आता है, स्पेशली राइडर उस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, जब आप इसको 90 के बाद लेके जाओगे ना भाई, चीरती है भाई, चीर फाड़ मचाती है बहुत बुरे तरीके से, जो हकीकत बात है। सो वहाँ पे मजा आता है, है? बहुत गंदा शूट, वहाँ पे बहुत अच्छा शूट करती है, मतलब कि आपको ये लगता है कि हाँ भाई 370,000 रुपये की वर्थ निकाल लिया आपने पूरी। सो इतना ही रखता है बस आज के इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू हो गया हमारे अक्षय भाई का, और अगर चीता का, और अगर कुछ रहा होगा तो मेक श्योर आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा वीडियो वगैरह बना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।